नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे विद्वान साथियों, मैं आपका दोस्त आशीष शर्मा काव्य क्लासेस की ओर से राजस्थान जिला दर्शन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान जिला दर्शन में जोधपुर संभाग, और जोधपुर संभाग में दोस्तों आज हम एक नया जिला ले रहे हैं, एक ऐसा जिला जिसके बारे में कहा जाता है, घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, अख्तर कीजिए लोह का, तब देखो जैसाण। अर्थात एक ऐसा क्षेत्र जहाँ केवल आपको पत्थर की टांगे ही ले जा सकती हैं। हाँ दोस्तों, आप सही समझ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं जिला जैसलमेर। जिला जैसलमेर दोस्तों मरुस्थल का साहब आपके सबसे बड़ा जिला है, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, और अब जैसलमेर अपनी अनेक विविधताओं के लिए जाना जाता है। उन सब विविधताओं को इतिहास, भूगोल और सांस्कृतिक पन्नों से आपके सामने पेश कर रहा हूँ मैं आशीष शर्मा। दोस्तों स्वागत है आप सभी का काव्य क्लासेस के ऑनलाइन मंच पर, और हम शुरू कर रहे हैं राजस्थान जिला दर्शन में जिला जैसलमेर। एकदम क्लियर, राजस्थान जिला दर्शन में दोस्तों आज हम शुरू कर रहे हैं जैसलमेर। ठीक, अब दोस्तों सबसे पहले बात आती है कि जो जैसलमेर है, इस जैसलमेर को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। ठीक दोस्तों, पूछा जाएगा कि जो जैसलमेर है, इस जब जैसलमेर को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। दोस्तों आप जानना, जो जैसलमेर है, इस जैसलमेर के दो नाम थे। एक नाम तो था मांडधरा। क्या नाम था? मांडधरा। और दोस्तों जो जैसलमेर है, इस तो आपके जैसलमेर का एक नाम था वल्लमंडल। क्या नाम था? वल्लमंडल। तो जैसलमेर के दो नाम हो गए दोस्तों, एक नाम तो हो गया साहब आपके मांडधरा, और एक नाम हो गया साहब आपके वल्लमंडल। एकदम क्लियर। फिर बात आती है कि जो जैसलमेर है, इस जैसलमेर के संस्थापक कौन थे। बात आती है कि जैसलमेर के संस्थापक कौन थे, तो दोस्तों देखना, जो जैसलमेर है ना, इस जैसलमेर के संस्थापक थे राव जैसल भाटी। जो जैसलमेर है, इस जैसलमेर के संस्थापक कौन थे? राव जैसल भाटी। और पूछा जाएगा कि राव जैसल भाटी के द्वारा जैसलमेर की स्थापना कब की गई थी, तो आप क्या बताओगे कि राव जैसल भाटी के द्वारा 12 जुलाई 1155 को, राव जैसल भाटी के द्वारा 12 जुलाई 1155 को जैसलमेर की स्थापना की गई थी। समझ जाओगे क्या, जैसलमेर के संस्थापक कौन थे? राव जैसल भाटी। और राव जैसल भाटी के द्वारा जैसलमेर की स्थापना कब की गई थी? 12 जुलाई 1155 को की गई थी। दो बातें क्लियर। ठीक, अच्छा फिर बात आती है कि सब आपके जो जैसलमेर है दोस्तों, फिर बात आती है कि जो जैसलमेर है, सब आपके जैसलमेर में कौन सा वंश है। पूछा जाएगा कि साहब जैसलमेर में कौन सा वंश है, तो आप क्या बताओगे कि साहब जो जैसलमेर में है ना, सब आपके यहाँ यादव वंश है। जो जैसलमेर में है वो कौन सा वंश है? यादव वंश। अच्छा दोस्तों, मैंने पहले बता चुका हूँ कि राजस्थान में तीन रियासतें हैं जहाँ यादव वंश हैं। क्लियर दोस्तों, एक तो कौन सी रियासत थी? भटनेर, यहाँ भी यादव वंश था। ठीक दोस्तों, एक रियासत है जैसलमेर, कौन सी होगी? जैसलमेर, यहाँ भी यादव वंश है। और दोस्तों एक रियासत है आपके करौली। एकदम क्लियर, क्लियर दोस्तों, यहाँ भी क्या है? यादव वंश। तो यादव वंश राजस्थान में तीन जगह हैं, भटनेर, जैसलमेर और करौली में। अच्छा दोस्तों देखना, भटनेर और जैसलमेर में, भटनेर और जैसलमेर में जो यादव वंश है ना, इस यादव वंश को कहा जाता है भाटी वंश। क्लियर, भटनेर और जैसलमेर में इसे कहा जाता है भाटी वंश। और पूछा जाए कि इसे भाटी वंश किसके नाम पर कहा जाता है, तो भूपत भाटी के नाम पर, भूपत भाटी के नाम पर दोस्तों इसे क्या कहा जाता है? भाटी वंश कहा जाता है। जैसलमेर का प्राचीन नाम मांडधरा और वल्लमंडल, संस्थापक थे राव जैसल भाटी, स्थापना 12 जुलाई 1155, वंश कौन सा है? यादव वंश। यादव वंश राजस्थान में तीन जगह है, भटनेर, जैसलमेर और करौली में। यादव वंश को भटनेर और जैसलमेर में कहा जाता है भाटी वंश, और भाटी वंश किसके नाम पर कहा जाता है? भूपत भाटी के नाम पर कहा जाता है। तो यादव वंश और भाटी वंश एक ही है, मूल रूप से यादव वंश है, यादव वंश को ही जैसलमेर में भाटी वंश कहा जाता है। ठीक, अच्छा दोस्तों साहब समझना, ये यादव वंश, ठीक दोस्तों, ये हो गया यादव वंश। अथवा दोस्तों इस जो यादव वंश है, इस यादव वंश को हम क्या बोल सकते हैं? भाटी वंश। एकदम क्लियर, या तो यादव वंश बोल दो, या इस यादव वंश को क्या बोल दो? भाटी वंश। ठीक, अच्छा फिर बात आती है कि यादव वंश अथवा जो भाटी वंश है, इस यादव वंश अथवा भाटी वंश के इष्ट देव कौन हैं, तो आप क्या बताओगे कि यादव अथवा भाटी वंश के इष्ट देव हैं श्री कृष्ण। कौन है? श्री कृष्ण।
भी पूछा जाए कि यादव अथवा भाटी वंश के कुल देवता कौन हैं, तो आप क्या बताओगे कि यादव अथवा जो भाटी वंश हैं इसके कुल देवता हैं लक्ष्मीनाथ जी। कौन है साहब आपके? लक्ष्मीनाथ जी। फिर पूछा जाएगा कि भाटी वंश की कुल देवी कौन है, पूछा जाएगा कि जो भाटी वंश हैं इसकी कुल देवी कौन है, तो आप क्या बताओगे? स्वांगिया माता। पूछ लिया जाए कि भाटी वंश की कुल देवी कौन है, तो आप क्या बताओगे? स्वांगिया माता। एकदम क्लियर, समझ जाओगे दोस्तों भाटी वंश की कुल देवी कौन है? स्वांगिया माता। ठीक, इष्ट देवता तो कौन है? श्री कृष्ण। कुल देवता कौन है? लक्ष्मीनाथ जी। कुल देवी कौन है? स्वांगिया माता। ठीक, अच्छा साहब आपके पूछा जाएगा कि साहब आपके जो भाटी वंश हैं इस भाटी वंश का प्रतीक क्या है, पूछा जाएगा कि जो भाटी वंश हैं इसका साहब आपके प्रतीक क्या है, तो आप क्या बताओगे? सोहन चिड़िया। एकदम क्लियर, पूछा जाएगा कि जो भाटी वंश हैं इस भाटी वंश का प्रतीक क्या है? सोहन चिड़िया। एकदम क्लियर, इसे भाटी वंश का प्रतीक माना जाता है। अच्छा पूछा जाएगा कि भाटी वंश का साहब आपके दोस्तों जो ध्वज है, पूछा जाएगा कि जो भाटी वंश है इस भाटी वंश का ध्वज किस रंग का होता है, पूछा जाएगा कि जो भाटी वंश है इसका साहब आपके ध्वज किस रंग का होता है? पीतांबर रंग का। एकदम क्लियर, ध्वज कैसा होता है? पीतांबर। ठीक, अच्छा साहब आपके दोस्तों पूछा जाएगा कि जो भाटी वंश है इस भाटी वंश का साहब आपके रंग कैसा होता है, अर्थात ये किस रंग को पवित्र मानते हैं, केसरिया रंग को पवित्र मानते हैं। पूछा जाएगा कि भाटी वंश में अथवा यादव वंश में पवित्र वृक्ष किसे माना जाता है, तो आप क्या बताओगे? कदंब। क्या बताओगे? कदंब और पीपल भाटी वंश के पवित्र वृक्ष हैं। समझ जाओगे क्या? कदंब और पीपल भाटी वंश के साथ क्या हैं दोस्तों? पवित्र वृक्ष हैं। समझ जाओगे दोस्तों? ठीक, अच्छा दोस्तों फिर पूछा जाता है कि जो भाटी वंश हैं, पूछा जाएगा कि जो भाटी वंश हैं इस भाटी वंश के पुरोहित कौन होते हैं, पूछ लिया जाएगा कि जो भाटी वंश हैं इस भाटी वंश के पुरोहित कौन होते हैं, तो आप क्या बताओगे? पुष्करणा ब्राह्मण। पूछा जाएगा कि भाटी वंश के पुरोहित कौन होते हैं, तो आप क्या बताओगे? पुष्करणा ब्राह्मणों को भाटी वंश का पुरोहित कहा जाता है। समझ गए क्या भैया? पुष्करणा ब्राह्मणों को भाटी वंश का क्या कहा जाता है दोस्तों? पुरोहित कहा जाता है। अच्छा फिर दोस्तों पूछा जाएगा कि जो भाटी वंश हैं इनके गुरु कौन हैं, तो आप क्या बताओगे? ऋषि अत्रि को। दोस्तों ऋषि अत्रि को साहब आपके भाटी वंश का गुरु माना जाता है। ठीक, अच्छा पूछा जाएगा कि जो भाटी वंश है इस भाटी वंश का पवित्र वेद कौन सा है, ये किस वेद को पवित्र मानते हैं, तो आप क्या बताओगे? कि जो भाटी वंश है ना ये यजुर्वेद को पवित्र मानते हैं। ठीक, अच्छा दोस्तों पूछा जाए कि भाटी वंश किस नदी को पवित्र मानते हैं, तो साहब आपके क्या बताओगे? कि भाटी शासक यमुना नदी को पवित्र मानते हैं। भाटी शासकों की पवित्र राग कौन सी है या प्रसिद्ध राग कौन सी है, तो दोस्तों भाटी शासकों की प्रसिद्ध राग है मांड। एकदम क्लियर, मांड एक राग का नाम है, संगीत राग के साथ आपके मांड। ठीक, अच्छा पूछा जाएगा कि जो भाटी शासक हैं इनका छत्र कौन सा है, क्लियर, तो दोस्तों जो भाटी शासक हैं, दोस्तों आप इनका जो छत्र है ना, छत्र है उसे कहा जाता है मेघडंबर। क्या कहा जाता है? मेघडंबर। ठीक, पूछ लिया जाए कि जो भाटी वंश है इनका नकारा क्या कहलाता है, इनका नकारा क्या कहलाता है, तो आप क्या बताओगे? कि भाटी शासकों का नकारा कहलाता है अगनजोत। क्या कहलाता है? अगनजोत। ठीक, अच्छा पूछा जाएगा कि भाटी शासक अभिवादन किस नाम से करते हैं, पूछ लिया जाए कि भाटी शासक अभिवादन किस नाम से करते हैं, तो आप क्या बताओगे? कि भाटी शासक जय श्री कृष्ण के नाम से अभिवादन करते हैं। ठीक, और पूछा जाए कि भाटी शासकों का नारा क्या होता है, तो आप क्या बताओगे? कि भाटी शासकों का नारा होता है जय यादव जय माधव। पूछा जाए कि भाटी शासकों का नारा क्या होता है, तो आप क्या बताओगे? जय यादव जय माधव, ये भाटी शासकों का नारा होता है। ये मेरे साहब आपको भाटी वंश का परिचय दिया है, समझना। जैसलमेर का प्राचीन नाम था मांडदरा या वल्ल मंडल, संस्थापक था राव जैसल भाटी, स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1155 को। यहाँ वंश है यादव वंश, साहब आपके यादव वंश बटनेर जैसलमेर करौली में है। और दोस्तों साहब आपके जो यादव वंश है इसे जैसलमेर और बटनेर में भाटी वंश कहा जाता है भूपत भाटी के नाम पर। भाटी वंश के इष्ट देव हैं श्री कृष्ण, कुल देवता हैं लक्ष्मीनाथ जी, कुल देवी स्वांगिया माता, प्रतीक है सोहन चिड़िया, ध्वज पीतांबर, रंग है
केसरिया, हाँ या ना, क्लियर। वृक्ष है कदंबिया, पीपल, दोस्तों ध्यान रखना अच्छी तरह, ठीक। पुरोहित है पुष्करणा, ब्राह्मण गुरु है ऋषि अत्रि, वेद का नाम है यजुर्वेद, दोस्तों ये अत्रि ऋषि हैं दोस्तों ध्यान रखना, वेद का नाम है यजुर्वेद, नदी का नाम है यमुना, राग का नाम है मांड, छत्र का नाम है मेघडंबर, नकारा का नाम अगनजोत, अभिवादन है आपके जय श्री कृष्णा के नाम से, और नारा होता है जय यादव जय माधव। ये भाटी शासकों का, भाटी वंश का सामान्य परिचय है दोस्तों, याद रखना, ठीक। दोस्तों फिर हम आगे की बात करते हैं, ठीक। दोस्तों फिर बात आती है कि हम अब शुरू करेंगे जैसलमेर का इतिहास, भूगोल और संस्कृति, ठीक। दोस्तों हम साहब सबसे पहले पढ़ते हैं जैसलमेर का इतिहास, हम सबसे पहले पढ़ते हैं जैसलमेर का इतिहास, ठीक। और दोस्तों जब हम इतिहास की बात करते हैं तो साहब हम सबसे पहले बात करते हैं कि क्या जैसलमेर रियासत ने मुगलों से संधि की या नहीं की, क्लियर। पूछा जाएगा कि क्या जैसलमेर रियासत ने मुगलों से संधि की या नहीं की, ठीक। तो दोस्तों हाँ, जो जैसलमेर रियासत है ना, इसने मुगलों से संधि की थी, जो जैसलमेर रियासत है इसने मुगलों से संधि की थी। और पूछा जाए कि जैसलमेर रियासत ने मुगलों से संधि कब की थी, 1570 में। अच्छा कहाँ की थी, नागौर दरबार में। पूछा जाएगा कि जैसलमेर रियासत ने मुगलों से संधि कब की थी, 1570 में। कहाँ की थी, नागौर दरबार में। और पूछा जाए कि मुगलों से संधि करने वाला, पूछा जाएगा कि मुगलों से संधि करने वाला जैसलमेर का शासक कौन था। पूछा जाए कि मुगलों से संधि करने वाला जैसलमेर का शासक कौन था, तो आप क्या बताओगे, हर राय भाटी। मुगलों से संधि करने वाला जैसलमेर का शासक कौन था, हर राय भाटी। मुगलों से संधि थी 1570 में, कहाँ की थी, नागौर दरबार में, करने वाला कौन था, हर राय भाटी। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों साहब समझना, ठीक, देखो साहब समझना, दोस्तों साहब समझना, पूछ लिया जाए आपसे कि जो नागौर दरबार है, पूछा जाए कि जो नागौर दरबार है, इस नागौर दरबार का आयोजन किसने किया था। पूछ लिया जाए कि जो नागौर दरबार है, इस नागौर दरबार का आयोजन किसने किया था, ठीक। पूछ लिया जाए कि नागौर दरबार का आयोजन किसने किया था, तो आप क्या बताओगे कि जो नागौर दरबार है, इस नागौर दरबार का आयोजन किया था सवाई जय सिंह ने। किसने किया था दोस्तों, पूछा जाए कि जो नागौर दरबार है इसका आयोजन किसने किया था, तो दोस्तों आप क्या बताओगे कि नागौर दरबार का साहब आपके जो आयोजन है ना दोस्तों, वो कहता था आपके दोस्तों भारमल ने। किसने किया था, भारमल ने दोस्तों, सवाई जय सिंह नहीं दोस्तों, कौन है, भारमल। तो नागौर दरबार का आयोजन करने वाला कौन था, भारमल। और दोस्तों ये भारमल ही राजपूताने का पहला शासक है, दोस्तों ये भारमल ही राजपूताने का पहला शासक है जिसने सर्वप्रथम मुगलों से संधि की थी। ये भारमल ही राजपूताने का पहला शासक है जिसने मुगलों से सर्वप्रथम संधि की थी। तो मुगलों से सर्वप्रथम संधि करने वाला कौन था, भारमल। नागौर दरबार का आयोजन करने वाला कौन था, भारमल, ठीक। और पूछा जाए कि सब आपके इसने मुगलों से संधि कब की थी, तो आप क्या बताओगे कि भारमल ने मुगलों से संधि की थी 20 जनवरी 1562 को। कब की थी, 20 जनवरी 1562 को। और कहाँ की थी, सांगानेर में की थी। कहाँ की थी, सांगानेर में। और दोस्तों जो सांगानेर है ना, इस सांगानेर का प्राचीन नाम क्या था, मौजमाबाद। जो सांगानेर है, इस सांगानेर का प्राचीन नाम क्या था, मौजमाबाद। फिर समझना, मुगलों से संधि करने वाला जैसलमेर का शासक हर राय भाटी, संधि कब की थी, 1570 में, नागौर दरबार में। नागौर दरबार का आयोजन किसने किया था, भारमल ने। मुगलों से संधि करने वाला पहला शासक भी कौन है, भारमल। और भारमल ने मुगलों से संधि कब की थी, 20 जनवरी 1562 को सांगानेर में। सांगानेर का नाम क्या है, मौजमाबाद। समझ जाओगे ना, सांगानेर का नाम क्या है, मौजमाबाद। क्लियर यहां तक, पहली बात, ठीक। दूसरी बात, फिर बात आती है दोस्तों, फिर बात आती है कि साहब जैसलमेर ने 1857 की क्रांति में भाग लिया या नहीं लिया। एकदम क्लियर, जैसलमेर ने 1857 क्रांति में भाग लिया या नहीं लिया, ठीक। तो दोस्तों ध्यान रखना, जब 1857 की क्रांति हुई थी, पूछा जाएगा कि जब 1857 की क्रांति हुई थी, तो 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय यहाँ के शासक कौन थे। पूछा जाए कि 1857 की क्रांति के समय यहाँ के शासक कौन थे,
तो आप क्या बताओगे कि 1857 की क्रांति के समय जैसलमेर के शासक थे रणजीत सिंह। 1857 की क्रांति के समय जैसलमेर के शासक कौन थे? रणजीत सिंह। समझ जाओगे अच्छी तरह, ठीक। जब 1857 की क्रांति हुई उस समय साहब आपके जैसलमेर के शासक कौन थे? रणजीत सिंह, ठीक। अच्छा दोस्तों एक बात ध्यान रखना, ठीक दोस्तों, जब हम 1857 की क्रांति पढ़ते हैं तो हम किसे पढ़ते हैं? तात्या टोपे को। जब हम 1857 की क्रांति पढ़ते हैं तो किसे पढ़ते हैं? तात्या टोपे को पढ़ते हैं, ठीक। अब दोस्तों तात्या टोपे का एक नाम है रामचंद्र पांडुरंग। दोस्तों ध्यान रखना, जो तात्या टोपे है ना, इस तात्या टोपे का मूल नाम क्या है? रामचंद्र पांडुरंग। समझ गए क्या भैया? तात्या टोपे का मूल नाम क्या है? रामचंद्र पांडुरंग, ठीक। अब दोस्तों यहां से एक क्वेश्चन बनता है, समझना। 1857 की क्रांति में तात्या टोपे राजस्थान की सभी रियासतों में गए थे। 1857 की क्रांति में तात्या टोपे राजस्थान की सभी रियासतों में गए थे, लेकिन वह रियासत जहां तात्या टोपे 1857 की क्रांति में नहीं गए थे, तो पूछा जाए कि निम्न में से वो कौन सी रियासत है जहां तात्या टोपे 1857 की क्रांति में नहीं गए थे। तो आप क्या बताओगे कि तात्या टोपे 1857 की क्रांति में जैसलमेर नहीं गए थे। एकदम क्लियर दोस्तों, ना तात्या टोपे 1857 की क्रांति में कहाँ नहीं गए थे? जैसलमेर नहीं गए थे। समझ जाओगे क्या? ठीक। अच्छा दोस्तों एक बात और ध्यान रख लेना, जब तात्या टोपे की बात आई तो, ठीक दोस्तों, जो तात्या टोपे हैं, दोस्तों जो तात्या टोपे हैं, इन तात्या टोपे को साहब आपके फांसी दी गई थी। जो तात्या टोपे हैं इन्हें दी गई थी फांसी, और पूछा जाएगा कि इन्हें फांसी कब दी गई थी? 18 अप्रैल 1859 को। कब दी गई थी? 18 अप्रैल 1859 को। और पूछा जाएगा कहाँ दी गई थी? शिवपुरी में। कहाँ दी गई थी? शिवपुरी में। और शिवपुरी कहाँ आता है? मध्य प्रदेश में, ठीक। अब दोस्तों जानना, जो तात्या टोपे है ना, इन्हें कहा जाता है क्रांति का अंतिम शहीद। जो तात्या टोपे हैं इन्हें कहा जाता है क्रांति का अंतिम शहीद। समझ जाओगे क्या दोस्तों? 1857 की क्रांति का अंतिम शहीद कौन कहलाता है? तात्या टोपे। अर्थात तात्या टोपे 1857 की क्रांति में शहीद होने वाले अंतिम क्रांतिकारी थे। तात्या टोपे के बाद किसे भी फांसी नहीं दी गई थी। समझ जाओगे क्या? तो तात्या टोपे कहलाते हैं क्रांति के अंतिम शहीद, ठीक। और दोस्तों देखना, अमरचंद बाठिया को कहा जाता है क्रांति का प्रथम शहीद। अमरचंद बाठिया तो कहलाएगा क्रांति का प्रथम शहीद, और तात्या टोपे कहलाएंगे क्रांति के अंतिम शहीद। अर्थात सबसे पहले था फांसी दी गई अमरचंद बाठिया को। सब समझना दोस्तों, ये अमरचंद बाठिया, ये अमरचंद बाठिया, ठीक दोस्तों। अमरचंद बाठिया थे बीकानेर के। जो अमरचंद बाठिया है ना, ये कहाँ के थे? बीकानेर के। और अमरचंद बाठिया को फांसी दी गई थी 22 जून 1857 को। कब दी गई थी? 22 जून 1857 को। और अमरचंद बाठिया कहलाते हैं क्रांति के प्रथम शहीद। क्या कहलाते हैं? क्रांति के प्रथम शहीद। तो क्रांति का प्रथम शहीद तो कौन हो गया? अमरचंद बाठिया। अंतिम शहीद वो कौन हो गया? तात्या टोपे। और पूछा जाए कि अमरचंद बाठिया को फांसी कहाँ दी गई थी? ग्वालियर में। कहाँ दी गई थी? ग्वालियर में। फिर समझ जाना, 1857 की क्रांति के समय जैसलमेर के शासक कौन थे? रणजीत सिंह। तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति में 3 बार राजस्थान में प्रवेश किया था। वो 3 बार में पूरे राजस्थान में घूमे थे, लेकिन जैसलमेर रियासत नहीं गए थे। ये प्रश्न बनता है कि निम्न में से वो कौन सी रियासत थी जहां तात्या टोपे 1857 की क्रांति के समय नहीं गए थे? जैसलमेर। तात्या टोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग, और इन्हें फांसी दी गई थी 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी मध्य प्रदेश में। और तात्या टोपे को कहा जाता है क्रांति का अंतिम शहीद। तो बीकानेर के निवासी अमरचंद बाठिया को कहा जाता है क्रांति का प्रथम शहीद, और अमरचंद बाठिया को फांसी दी गई थी 22 जून 1800
57 को ही। और दोस्तों ध्यान रखना, जो अमरचंद बाठिया हैं इनका एक नाम और है, और वो है क्रांति का भामाशाह। 1857 की क्रांति का भामाशाह किसे कहा जाता है? तात्या टोपे को। एकदम किसको? अमरचंद बाठिया को। क्लियर? दो बातें फतेह। अब आपकी तीसरी बात आती है कि साहब आपके जो जैसलमेर हैं, इस दम आपके जैसलमेर में एक स्वतंत्रता सेनानी हुए थे और उनका नाम था सागर मलगोपा। साहब जैसलमेर में एक स्वतंत्रता सेनानी हुए थे, नाम क्या था? सागर मलगोपा। ठीक दोस्तों, जो सागर मलगोपा हैं, इन सागर मलगोपा के द्वारा साहब आपके दो किताबें लिखी गई थी। जो सागर मलगोपा हैं इनके द्वारा दो किताब, दोस्तों तीन किताबें लिखी गई थी। इनकी एक किताब का नाम था आज़ादी के दीवाने। इनकी एक किताब का नाम क्या था? आज़ादी के दीवाने। समझ जाओगे दोस्तों? आज़ादी के दीवाने। ठीक। अच्छा दोस्तों, इनकी एक किताब का नाम था जैसलमेर का गुंडा राज। इनकी एक किताब का नाम क्या था? जैसलमेर का गुंडा राज। समझ जाओगे क्या? और दोस्तों, इनकी एक किताब का नाम था रघुनाथ सिंह का मुकदमा। इनकी एक किताब का नाम क्या था? रघुनाथ सिंह का मुकदमा। ये इनके साथ आपके तीन किताबें हैं। ठीक। हम जैसलमेर का इतिहास पढ़ रहे हैं। जैसलमेर के इतिहास में सागर मलगोपा का नाम आता है। सागर मलगोपा की तीन किताबें, आज़ादी के दीवाने, जैसलमेर का गुंडा राज और रघुनाथ सिंह का मुकदमा, ये इनकी तीन किताबें हैं। फिर बात आती है कि सागर मलगोपा को याद क्यों किया जाता है। ये तो इनकी तीन किताबें होंगी। फिर बात आती है कि सागर मलगोपा को याद क्यों किया जाता है। तो दोस्तों रखना, सागर मलगोपा से क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से वो कौन सा क्रांतिकारी है जिसे जेल में, निम्न में से वह कौन सा क्रांतिकारी है जिसे जेल में जिंदा जला दिया गया था। क्लियर? निम्न में से वो कौन सा क्रांतिकारी है जिसे जेल में जिंदा जलाया गया था? तो सागर मलगोपा एक ऐसे क्रांतिकारी हैं जिन्हें जेल में जिंदा जलाया गया था। फिर बात आती है कि इन्हें जेल में जिंदा कब जलाया गया था। पूछा जाएगा कि इन्हें जेल में जिंदा कब जलाया गया था? 3 अप्रैल 1946 को तो उनको जेल में जिंदा जलाया गया था। और पूछा जाए कि इन्हें जेल में जिंदा किसने जलाया था, तो आप क्या बताओगे? हवलदार गुमान सिंह के द्वारा। हवलदार गुमान सिंह के द्वारा इन्हें जेल में जिंदा जला दिया गया था। सागर मलगोपा का संबंध कहाँ से है? जैसलमेर से। हाँ बरो, हाँ, सागर मलगोपा का संबंध कहाँ से रे भैया? जैसलमेर से है। एकदम क्लियर, पहली बात। अच्छा, जिस सागर मलगोपा की कितनी किताबें हैं? तीन। कौन कौन सी बोलो भैया? आज़ादी के दीवाने, जैसलमेर का गुंडा राज और रघुनाथ सिंह का मुकदमा। वह क्रांतिकारी जिसे जेल में जिंदा जला दिया गया था सागर मलगोपा कब? 3 अप्रैल 1946 को। जलाने वाला कौन था? हवलदार गुमान सिंह। ठीक। अगली बात। अब दोस्तों, जब सागर मलगोपा को जेल में जिंदा जलाया गया ना, तो इस घटना की जांच के लिए, दोस्तों जब सागर मलगोपा को जेल में जिंदा जलाया गया, तो दोस्तों इस घटना की जांच के लिए दो आयोग गठित किए गए थे। जब सागर मलगोपा को जेल में जिंदा जलाया गया, तो इस घटना की जांच के लिए दो आयोग गठित किए गए थे। ठीक। अब साहब आपके जो एक आयोग था ना दोस्तों, जो एक आयोग था साहब आपके, उसका साहब आपके नंबर था साहब आपके, उसका नाम था दोस्तों एक आयोग साहब आपके जो गठन, दोस्तों जो एक आयोग है उसका गठन किया था जैसलमेर सरकार ने। ठीक है दोस्तों, जो एक आयोग है साहब उसका गठन किया था जैसलमेर सरकार ने। ठीक। और दोस्तों जो एक आयोग है सब उसका गठन किया था कांग्रेस ने। ठीक दोस्तों, जैसल सागर मलगोपा की हत्या की जांच के लिए दो जांच आयोग बनाए गए। एक जांच आयोग किसने बनाया? जैसलमेर सरकार ने। ठीक। और एक जांच आयोग कौन बनाएगा? कांग्रेस। ठीक। तो सब आपके हो गए दो जांच आयोग। ठीक। तो दोस्तों, एक तो था जैसलमेर सरकार द्वारा गठित जांच आयोग, और दोस्तों एक था कांग्रेस द्वारा गठित जांच आयोग। ठीक। अब सब समझना, जिस आयोग का गठन जैसलमेर सरकार ने किया था उसका नाम था गोपाल स्वरूप पाठक। जिस आयोग का गठन जैसलमेर सरकार ने किया था उसका नाम था गोपाल स्वरूप पाठक जांच आयोग। ठीक।
जैसलमेर सरकार के द्वारा इस घटना की जांच के लिए किसका गठन किया गया था? गोपाल स्वरूप पाठक जांच आयोग का गठन किया गया था, ठीक। और दोस्तों इस आयोग के द्वारा कहा गया था, दोस्तों जब इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी, दोस्तों जब इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी तो दोस्तों इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सागरमल गोपा ने आत्महत्या की थी, उनकी हत्या नहीं हुई थी। समझ जाओगे दोस्तों, इस आयोग ने कहा कि सागरमल गोपा ने आत्महत्या की थी, न कि उनकी हत्या की गई थी। समझ जाओगे क्या? सागरमल गोपा की हत्या की जांच के लिए जैसलमेर सरकार ने गोपाल स्वरूप पाठक जांच आयोग का गठन किया और गोपाल स्वरूप पाठक ने इस घटना को आत्महत्या की संज्ञा दी थी। पहली बात क्लियर। मतलब आपके दोस्तों जो कांग्रेस है इसके तरफ आपका गठन किया गया था, दोस्तों जो कांग्रेस है ना इसने गठन किया था जय नारायण व्यास समिति का। साहब किसका गठन किया था? जय नारायण व्यास समिति का। तो कांग्रेस के द्वारा तो जय नारायण व्यास समिति और जैसलमेर सरकार के द्वारा साहब आपके गोपाल स्वरूप पाठक जांच आयोग गठित किए गए थे इस घटना की जाँच के लिए। और दोस्तों जय नारायण व्यास समिति ने कहा था कि साहब आपके सागरमल गोपा की हत्या की गई थी, अर्थात जय नारायण व्यास समिति तो कहती है कि सागरमल गोपा की हत्या की गई थी। तो साहब आपके गोपाल स्वरूप पाठक आयोग कहता है कि साहब आपके जो सागरमल गोपा है इन्होंने साहब आपके हत्या की थी। एकदम क्लियर दोस्तों, आत्महत्या की थी। पहली बार दोस्तों अच्छा ध्यान रखना दोस्तों, फिर पूछा जाएगा कि जो सागरमल गोपा है दोस्तों, इन सागरमल गोपा पर एक डाक टिकट भी जारी किया गया है। दोस्तों जानना, जो सागरमल गोपा है इन सागरमल गोपा पर एक डाक टिकट भी जारी किया गया है। ही? जो सागरमल गोपा है इन सागरमल गोपा पर एक डाक टिकट भी जारी किया गया है। और पूछा जाएगा कि इन पर डाक टिकट कब जारी किया गया था? 29 दिसंबर 1986 को इन पर डाक टिकट जारी किया गया था। समझ जाओगे क्या? अच्छा दोस्तों फिर बात आती है कि जब सागरमल गोपा की हत्या की गई, दोस्तों जब सागरमल गोपा की हत्या की गई उस समय जैसलमेर के शासक कौन थे? पूछा जाए कि जब सागरमल गोपा की हत्या की गई उस समय जैसलमेर के शासक कौन थे? एकदम क्लियर। पूछ लिया जाए कि जब सागरमल गोपा की हत्या की गई उस समय जैसलमेर के शासक कौन थे, तो आप क्या बताओगे कि उस समय जैसलमेर के शासक थे रघुनाथ सिंह। जब सागरमल गोपा की हत्या हुई उस समय तब आपके जैसलमेर के शासक कौन थे? रघुनाथ सिंह। एकदम क्लियर गया यहाँ तक, चलो आगे। ठीक, अगली बात दोस्तों फिर बात आती है कि जो जैसलमेर रियासत है इसका अगला ऐतिहासिक महत्व क्या होगा? दोस्तों जो जैसलमेर है इस जैसलमेर रियासत ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी। क्लियर दोस्तों, जो जैसलमेर रियासत है इस जैसलमेर रियासत ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी। और पूछा जाए संधि कब की थी? 1818 में। कब की थी? 1818 में, ठीक। और पूछा जाएगा कि साहब आपकी जो संधि की गई थी उस समय जैसलमेर का शासक कौन था? पूछा जाएगा कि जब संधि की गई थी उस समय जैसलमेर का शासक कौन था, तो आप क्या बताओगे कि उस समय जो जैसलमेर है यहाँ का शासक था मूलराज भाटी। कौन था रे भैयाओं? मूलराज भाटी। एकदम क्लियर, जैसलमेर रियासत के शासक मूलराज भाटी ने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी। अगली बार दोस्तों जैसलमेर का अगर हम अगला ऐतिहासिक महत्व जाने तो साहब समझना, जो जैसलमेर है ना इस जैसलमेर को जाना जाता है अढ़ाई शाखों के लिए। जानना दोस्तों, जो जैसलमेर है ना इसे जाना जाता है अढ़ाई शाखों के लिए। समझ जाओगे, जो जैसलमेर है साहब आपके इसे जाना जाता है अढ़ाई शाखों के लिए, ठीक। अच्छा फिर बात आती है कि अढ़ाई शाखे मतलब कि दो शाखे तो पूरे हुए थे, ठीक दोस्तों। अच्छा देखो देखो शाखे का मतलब क्या होता है समझना दोस्तों, शाखा किसे कहते हैं? कि अगर किसी युद्ध में केसरिया, किसी युद्ध में क्या हो जाए? केसरिया। और दोस्तों क्या हो जाए? जौहर। तो इसे क्या कहते हैं? शाखा।
केसरिया का मतलब क्या होता है कि देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए लड़ते लड़ते जब राजपूत सैनिक शहीद हो जाते हैं तो उसे तो कहा जाता है केसरिया। तो केसरिया तो करते हैं पुरुष, और केसरिया होने के बाद राजपूत महिलाएं अपने सतीत्व की रक्षा के लिए अग्नि में कूद कर, जल में कूद कर अपना जीवन समाप्त कर लेती है, उसे कहते हैं जौहर। और केसरिया और जौहर हो तो क्या कहलाता है, साका। लेकिन दोस्तों अगर किसी युद्ध में केसरिया तो हो किंतु जौहर नहीं हो, केसरिया तो हो किंतु जौहर नहीं हो, तो उसे क्या कहा जाता है, अर्धशाका। अगर किसी युद्ध में केसरिया तो हो किंतु जौहर नहीं हो, मतलब राजपूत तो शहीद हो जाएं लेकिन राजपूत महिलाएं जौहर ना करें, तो साहब आपको क्या कहलाएगा, अर्धशाका। अब जैसलमेर साहब आपके क्या हुआ है कि दो तो हुए हैं शाका साके, और एक हुआ है अर्धशाका, तो क्या कहलाएगा ये, अढ़ाई साके। क्लियर। फिर बात आती है कि जैसलमेर का प्रथम शाका कब हुआ, पूछा जाए कि जैसलमेर का प्रथम शाका कब हुआ, तो आप क्या बताओगे कि साहब आपके जो जैसलमेर का प्रथम शाका है ना दोस्तों, ये हुआ था 1311 में, दोस्तों ये हुआ था 1311 में। अच्छा, उस समय पूछा जाएगा कि जैसलमेर का शासक कौन था, मूलराज भाटी प्रथम। क्लियर दोस्तों, पूछा जाएगा उस समय जैसलमेर का शासक कौन था, मूलराज भाटी प्रथम। ठीक। और पूछा जाए कि जो पहला शाका हुआ वो किसके विरुद्ध हुआ था, तो आप क्या बताओगे कि जो पहला शाका हुआ ये हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध। जो पहला शाका हुआ ये क्या हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध हुआ था। पहला शाका कब हुआ, 1311 में, मूलराज भाटी के समय हुआ। ठीक। और दोस्तों साहब आपके अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध हुआ, इसमें केसरिया जौहर दोनों हुआ था, केसरिया किया था मूलराज भाटी ने और मूलराज भाटी के पुत्र रत्न सिंह ने। एकदम क्लियर पहली बार। फिर बात आती है कि जैसलमेर का दूसरा शाका कब हुआ, पूछा जाएगा कि जो जैसलमेर है इस जैसलमेर का दूसरा शाका कब हुआ। एकदम क्लियर, पूछा जाए कि जैसलमेर का दूसरा शाका कब हुआ, तो आप क्या बताओगे कि जो जैसलमेर है इसका साहब आपके जो दूसरा शाका है ना, ये हुआ था 1370-71 में। कब हुआ था, 1370-71 में। ठीक। और पूछा जाएगा कि उस समय जैसलमेर का शासक कौन था, रावल दूधा। उस समय जैसलमेर का शासक कौन था, रावल दूधा। ठीक। अच्छा, पूछा जाएगा कि जो दूसरा शाका है ये किसके विरुद्ध हुआ था, MBT के विरुद्ध। किसके विरुद्ध हुआ था, MBT के विरुद्ध। और MBT का पूरा नाम क्या है दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक। MBT मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के विरुद्ध हुआ था। समझ जाओगे क्या दोस्तों अच्छी तरह। ठीक, दो बातें। अब दोस्तों एक बात ध्यान रखना, बीच में थोड़ा सा भारत का इतिहास पढ़ लेते हैं दोस्तों। ये MBT मोहम्मद बिन तुगलक, MBT मोहम्मद बिन तुगलक, दोस्तों जो MBT है ना इसे कहा जाता है धनवानों का राजकुमार। दोस्तों जो MBT है इसे कहा जाता है धनवानों का राजकुमार। ठीक दोस्तों। फिर बात आती है कि MBT को धनवानों का राजकुमार किसने कहा था, एडवर्ड थॉमस ने। MBT को धनवानों का राजकुमार किसने कहा था, एडवर्ड थॉमस ने। दोस्तों जो MBT है ना इसे कहा जाता है आदर्श अभागा। क्लियर। जो MBT है इसे कहा जाता है आदर्श अभागा। और पूछा जाएगा कि इसे आदर्श अभागा किसने कहा था, बर्नी ने। किसने कहा था, बर्नी ने। ठीक दोस्तों जो MBT है ना इसे कहा जाता है पागल शासक। क्लियर। जो MBT है इसे कहा जाता है पागल शासक। और पूछा जाए इसे पागल शासक किसने कहा था, तो आप क्या बताओगे, इसे पागल शासक कहा था एल्फिंस्टन ने। किसने कहा था, एल्फिंस्टन ने। क्लियर। और दोस्तों जो MBT है इस MBT को कहा जाता है विरोधी तत्वों का मिश्रण। MBT को कहा जाता है विरोधी तत्वों का मिश्रण। ठीक। और पूछा जाए इसे विरोधी तत्वों का मिश्रण किसने कहा था, तो आप क्या बताओगे, आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव ने इसे कहा था विरोधी तत्वों का मिश्रण। ठीक दोस्तों, समझ जाओगे अच्छी तरह। यह है MBT। और दोस्तों जब MBT मरा था ना तो बर्नी ने कहा था कि सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। समझ जाओगे, जब MBT मरा था तो तब आपके
बर्नी ने कहा था कि सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। एकदम क्लियर किया दोस्तों, ठीक हो गए दोसा के। फिर बात आती है कि साहब आपके जो जैसलमेर है ना, यहाँ जैसलमेर साहब आपके तीसरा शाखा नहीं होगा, अब क्या होगा यहाँ अर्ध शाखा, क्या होगा अर्ध शाखा। और पूछा जाएगा कि यह अर्ध शाखा कब हुआ था, 1550 में, कब हुआ था 1550 में, ठीक। अच्छा दोस्तों उस समय पूछा जाएगा कि उस समय जैसलमेर का शासक कौन था, तो आप क्या बताओगे कि उस समय जैसलमेर के शासक का नाम था लूणकर्ण भाटी। क्या नाम था, लूणकर्ण भाटी। और पूछा जाए कि साहब किसके विरुद्ध हुआ था, तो आप क्या बताओगे अमीर अली खां के विरुद्ध हुआ था। क्लियर दोस्तों, क्या हुआ था तब आपकी, ये अमीर अली खां के विरुद्ध हुआ था। और दोस्तों इस युद्ध में केवल केसरिया हुआ था, जौहर नहीं हुआ था। समझ गए क्या अच्छी तरह, हो गए तीन शाखे। तो अब जैसलमेर में कितने शाखे हुए हैं, अढ़ाई शाखे। पहला शाखा 1311 में मूल राजभाटी के समय अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध, दूसरा शाखा 1370-71 में रावल दूदा के समय एमबीटी के विरुद्ध। क्लियर, और एमबीटी का पूरा नाम मोहम्मद बिन तुगलक। एमबीटी को कहा जाता है धनवानों का राजकुमार, आदर्शभागा, पागल शासक और विरोधी तत्वों का सम्मिश्रण। तीसरा शाखा नहीं है, वो अर्ध शाखा है, 1550 में लूणकर्ण भाटी के समय अमीर अली खां के विरुद्ध, इसलिए अढ़ाई माने जाएंगे, ठीक। अच्छा दोस्तों ध्यान रखना, जो लूणकर्ण भाटी है ना, इस लूणकर्ण भाटी के दो पुत्रियां थीं, ठीक दोस्तों। लूणकर्ण भाटी साहब कितनी पुत्रियां थीं, दो पुत्रियां थीं, ठीक दोस्तों। इसकी एक पुत्री का नाम था उमादे, इसकी एक पुत्री का नाम क्या था, उमादे। और पूछा जाएगा दोस्तों जो उमादे हैं, इस उमादे का विवाह किससे हुआ था, मालदेव से। किससे हुआ था, मालदेव से। और दोस्तों इसकी एक पुत्री का नाम था धीरबाई, इसकी एक पुत्री का नाम क्या था, धीरबाई। और पूछा जाए कि धीरबाई का विवाह किससे हुआ था, तो आप क्या बताओगे राणा उदय सिंह से। जो धीरबाई है इस दाम आपके, धीरबाई का विवाह किससे हुआ था दोस्तों, राणा उदय सिंह से हुआ था। किससे हुआ था दोस्तों, राणा उदय सिंह से हुआ था, एकदम क्लियर। और दोस्तों ये राणा उदय सिंह वही हैं जो राणा प्रताप के नाम से जाने जाते हैं, एकदम क्लियर दोस्तों। तो साहब आपके लूणकर्ण भाटी के दो पुत्रियां थीं, धीरबाई और उमादे। उमादे का विवाह मालदेव से, तो धीरबाई का विवाह किससे हुआ, राणा उदय सिंह से हुआ, ठीक। अच्छा दोस्तों फिर बात आती है कि जो जैसलमेर रियासत है दोस्तों, जो जैसलमेर रियासत है, ये जैसलमेर रियासत का राजस्थान में विलय कब हुआ। पूछा जाए कि जो जैसलमेर रियासत है, इस जैसलमेर रियासत का राजस्थान में विलय कब हुआ, ठीक। तो आप क्या बताओगे कि जो जैसलमेर रियासत है, इसका राजस्थान में विलय हुआ 30 मार्च 1949 को, ठीक। जो जैसलमेर रियासत है, इसका राजस्थान में विलय कब हुआ, 30 मार्च 1949 को हुआ, ठीक। अच्छा पूछा जाए कि जब जैसलमेर रियासत का राजस्थान में विलय हुआ, उस समय जैसलमेर के शासक कौन थे, उस समय जैसलमेर के शासक कौन थे, तो आप क्या बताओगे कि जब जैसलमेर रियासत का राजस्थान में विलय हुआ, उस समय जैसलमेर के शासक का नाम था रघुनाथ सिंह। क्या नाम था दोस्तों, रघुनाथ सिंह। फिर बात आती है कि जो जैसलमेर है, इस जैसलमेर को जिला कब बनाया गया, इसे जिला कब बनाया गया, तो दोस्तों रखना 26 अक्टूबर 1949 को, 26 अक्टूबर 1949 को इसे जिला बनाया गया, ठीक। अच्छा दोस्तों ध्यान रखना, दोस्तों एक बात ध्यान रखना, ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों, ये जैसलमेर, दोस्तों ये जैसलमेर 1949 से लेकर 1953 तक तो क्या रहा था, जिला। क्या रहा था, जिला। इसे 1953 में जिले का दर्जा था ना, उसे छीन लिया गया। इसे 1953 में साहब आपके क्या बना दिया गया, उपखंड। साहब आपके साथ जो जैसलमेर है ना, इसे 1953 में क्या बना दिया गया, उपखंड। और जब ये उपखंड बन गया, तो इसे किस में शामिल कर दिया गया, जोधपुर में। किस में शामिल कर दिया गया, जोधपुर में, एकदम क्लियर। और दोस्तों बाद में इसे पुनः, दोस्तों बाद में इसे पुनः 1956-57 में, दोस्तों बाद में इसे पुनः 1956-57 में दोबारा साहब आपके जिला बनाया गया,
समझ जाओगे दोस्तों। तो साहब आपके पहली बार जिला बना साहब आपके कब, ये 1949 में, ठीक। और 1949 से लेकर 53 तक जिला रहा, 53 में इसे जिले के दर्जे से हटा दिया गया, क्या बना दिया गया, उपखंड, और कहाँ शामिल कर दिया गया, जोधपुर में। और 56 से लेकर 57 में साहब आपके से दोबारा जिला बनाया गया। समझ गए दोस्तों, एकदम क्लियर दोस्तों। यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए अच्छी तरह आप, ठीक दोस्तों। दोस्तों एक बार दोबारा चर्चा कर लेते हैं, फिर दोस्तों हम जैसलमेर के भौगोलिक विशेषताओं को पढ़ेंगे, एकदम क्लियर। जैसलमेर प्राचीन नाम मांडधरा वल्लमंडल, संस्थापक राव जैसल भट्ट, स्थापना 12 जुलाई 1155, वंशता यादव वंश भटनेर और जैसलमेर भाटी वंश कहलाता है भूपत भाटी के नाम पर। यादव वंश में साहब आपके मैंने पूरी बात आपको बता दी, अच्छी तरह ध्यान रखना, ठीक। और दोस्तों इतिहास, मुगलों से संधि की थी 1570 में, करने वाला था हर राय भाटी, और हर संधि कहाँ की थी, नागौर दरबार में। नागौर दरबार का आयोजन किया था भारमल ने, और भारमल कौन है, मुगलों से अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राजपूत शासक, 20 जनवरी 1562, सांगानेर का नाम है मौजमाबाद, याद रखना, ठीक दोस्तों। अच्छा दोस्तों फिर बात आती है 1857 क्रांति के समय यहाँ का शासक कौन था, रणजीत सिंह। और तात्या टोपे एकमात्र ऐसे क्रांतिकारी था आपके जिन्होंने कभी भी जैसलमेर रियासत में प्रवेश नहीं किया था। और क्रांति का प्रथम शहीद अमरचंद बाठिया, अंतिम शहीद तात्या टोपे, प्रथम शहीद क्रांति का भामाशाह अमरचंद बाठिया, ध्यान रखना। सागरमल गोपा की पूरी बात दोस्तों आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक दोस्तों। 250 के मैंने आपको बता दिए दोस्तों यहाँ तक, एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों जैसलमेर जिला कैसे बना इसके बारे में हमने चर्चा कर ली है, अब दोस्तों हम चर्चा करते हैं जैसलमेर की भौगोलिक विशेषताओं की, क्लियर दोस्तों। अब हम चर्चा करते हैं जैसलमेर की भौगोलिक विशेषताओं की, ठीक, जैसलमेर की भौगोलिक विशेषताएं, ठीक। अब दोस्तों जब हम भौगोलिक विशेषताओं की चर्चा करते हैं तो सब आपके सबसे पहले बात आती है सीमा की दोस्तों, सबसे पहले बात आती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, ठीक। किसकी बात आती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। और आप सब जानते होंगे कि सब आपके जो जैसलमेर है ना, ये पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है, क्लियर। जो जैसलमेर है ना, ये पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। और पूछा जाएगा कि जैसलमेर पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा बनाता है, 464 किलोमीटर, एकदम क्लियर। जो जैसलमेर है ये पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा बनाता है, 464 किलोमीटर। मैंने पहले बता रखा है कि राजस्थान के सब चार जिले पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं, एकदम क्लियर। पहली बात, चार जिले कौन कौन से होंगे साहब आपके, गंगानगर है, जैसलमेर है, बीकानेर है और बाड़मेर है, ये सब सीमा बनाते हैं। कितनी कितनी बनाते हैं इन पे हमने चर्चा कर ली है, ठीक। तो पहली विशेषता कि जैसलमेर पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, और कितने बनाता है, 464 किलोमीटर की, पहली विशेषता दोस्तों। हम दूसरी विशेषता की बात करते हैं क्षेत्रफल की, एकदम क्लियर। फिर बात आती है कि जो जैसलमेर है, इस जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना है, 38,401 वर्ग किलोमीटर। साहब आपके इसका क्षेत्रफल कितना है, 38,401 वर्ग किलोमीटर, ठीक। और दोस्तों ध्यान रखना, क्षेत्रफल के आधार पर दोस्तों, क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा होगा, सब आपके क्या बताओगे आप, जैसलमेर। क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, ठीक, कौन सा होगा, जैसलमेर, ठीक। क्षेत्रफल में राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जैसलमेर। और जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना है, 38,401 वर्ग किलोमीटर, ठीक। अच्छा दोस्तों पूछा जाए कि क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे छोटा जिला, क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे छोटा जिला क्या बताओगे दोस्तों आप, बताओ बताओ बताओ, ठीक। तो आप क्या बताओगे कि क्षेत्रफल के आधार पर जो राजस्थान का सबसे छोटा जिला है वो कौन सा है, धौलपुर। समझ जाओगे दोस्तों, क्षेत्रफल के आधार पर जो राजस्थान का सबसे छोटा जिला है वो कौन सा है, धौलपुर, ठीक। और पूछा जाए कि जो धौलपुर है, इस धौलपुर का क्षेत्रफल कितना है, 3,034 वर्ग किलोमीटर, कितना है, 3,034 वर्ग किलोमीटर। हो गई दो विशेषताएँ। फिर बात आती है कि साहब तीसरी विशेषता दोस्तों, हम बात करते हैं परिवहन की, किसकी बात करते हैं, परिवहन की। दोस्तों जैसलमेर में दो तरह के परिवहन हैं, एक तो है सड़क मार्ग,
एक तो है सड़क मार्ग और दोस्तों एक है रेलवे मार्ग। यहाँ दो तरह के परिवहन हैं, एक तो है सड़क मार्ग और एक है रेलवे मार्ग। अगर हम सड़क मार्ग की बात करें तो दोस्तों यहाँ कौन सा है, NH15, और जो NH15 है इसको आप किस नाम से जानते हैं, NH62 के नाम से, ठीक। और पूछा जाएगा कि साहब आपके जैसलमेर में NH15 की लंबाई कितनी है, 195 किलोमीटर। जैसलमेर में NH15 अर्थात NH62 की लंबाई कितनी है, 195 किलोमीटर। बात आती है कि जो जैसलमेर है इस जैसलमेर की जनसंख्या कितनी है, पूछ लिया जाए कि जो जैसलमेर है इस जैसलमेर की जनसंख्या कितनी है, तो आप क्या बताओगे, 669,619। पूछा जाएगा कि जो जैसलमेर है इस जैसलमेर की जनसंख्या कितनी है, तो आप क्या बताओगे, 669,619, ठीक। अच्छा तो सब धारणा ये जनसंख्या, पूछा जाएगा कि जनसंख्या में सबसे छोटा जिला, दोस्तों पूछा जाएगा ये जनसंख्या की बात करते हैं, सब समझना, जनसंख्या पूछा जाए कि जनसंख्या में सबसे छोटा जिला, जनसंख्या में सबसे छोटा जिला, तो आप क्या बताओगे कि जनसंख्या में जो सबसे छोटा जिला है वो कौन सा है, जैसलमेर। जनसंख्या में जो सबसे छोटा जिला है वो कौन सा है, जैसलमेर। और पूछा जाए कि जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला, क्लियर, जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला, तो आप क्या बताओगे कि जनसंख्या के आधार पर जो सबसे बड़ा जिला है वो है जयपुर। कौन सा है, जयपुर। और दोस्तों जयपुर की जनसंख्या लगभग 66 लाख के आसपास है, जो जयपुर है इसकी जनसंख्या लगभग 66 लाख के आसपास है, एकदम क्लियर दोस्तों, लगभग 66 लाख के आसपास है, ठीक। अच्छा फिर बात आती है कि जो जैसलमेर है इस जैसलमेर का आकार कैसा है, पूछ लिया जाए कि जो जैसलमेर है इस जैसलमेर का आकार कैसा है, तो आप क्या बताओगे कि जो जैसलमेर है इसका आकार है सप्त बहुभुज के समान। जो जैसलमेर है इसका आकार कैसा है, तो आप क्या बताओगे कि जैसलमेर का आकार है सप्त बहुभुज के समान। ये क्वेश्चन मैंने साहब आपके पहले पूछा था, जब मैंने जिला राजसमंद पढ़ाया था तो पूछा था कि साहब आपके जैसलमेर की आकृति कैसी है, सप्त बहुभुज के समान इसकी आकृति है, एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों फिर बात आती है कि साहब आपके साथ जो जैसलमेर है, दोस्तों जो जैसलमेर है यहाँ साहब आपके एक विशेष प्रकार की घास पाई जाती है, ठीक। और दोस्तों पूछा जाएगा कि उस घास का नाम क्या है, तो आप क्या बताओगे कि साहब आपके यहाँ सेवन घास पाई जाती है। साहब क्या पाई जाती है, सेवन घास पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों साहब आपके ध्यान रखना अगली बार, दोस्तों सब आपके यहाँ एक सब आपके जल पट्टी पाई जाती है, दोस्तों सब जैसलमेर में एक जल पट्टी भी पाई जाती है। और दोस्तों इस जल पट्टी का नाम तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में पूछा जा चुका है और इसका नाम है लाठी सीरीज। क्या नाम है, लाठी सीरीज, समझ जाओगे दोस्तों। पूछा जाए कि लाठी सीरीज क्या है, तो सेवन घास के किनारे किनारे भूगर्भ में एक भूगर्भ जल पट्टी की प्रवाहित हो रही है और उस भूगर्भ जल पट्टी को क्या कहा जाता है, लाठी सीरीज। तो लाठी सीरीज कहाँ है साहब आपके, जैसलमेर में। सेवन घास के मैदान कहाँ है, जैसलमेर में। और दोस्तों साहब जो लाठी सीरीज है ना ये पूछी जा चुकी है RPSC थर्ड ग्रेड 2006 में, एकदम क्लियर। लाठी सीरीज है दोस्तों साहब आपके पूछी जा चुकी है RPSC थर्ड ग्रेड 2006 में पूछी जा चुकी है दोस्तों, ध्यान रखना अच्छी तरह, ठीक। फिर बात आती है साहब आपके कि जैसलमेर की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं, दोस्तों बात आती है कि जो जैसलमेर है इस जैसलमेर की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं, तो दोस्तों ध्यान रखना कि साहब जैसलमेर में तीन नदियां हैं, एक नदी का नाम है काकने, दोस्तों एक नदी का नाम है काकने नदी, दोस्तों एक नदी का नाम है लाठी नदी। क्या नाम है, लाठी नदी। और दोस्तों एक नदी का नाम है घोसड़ी नदी, एकदम क्लियर। क्या नाम है, घोसड़ी नदी, एकदम क्लियर। तो सब आपके यहाँ तीन नदी हैं, काकने नदी, लाठी नदी और घोसड़ी नदी, ठीक। दोस्तों ध्यान रखना जो लाठी नदी है ना, दोस्तों जो काकने नदी है इस काकने नदी को कहा जाता है मसूरदी, ध्यान रखना दोस्तों जो काकने नदी है इसे क्या कहा जाता है, मसूरदी नदी, ठीक। अच्छा पूछा जाए कि जो काकने नदी है इस काकने नदी की लंबाई कितनी है,
पूछा जाए कि जो काकरी नदी है इस काकरी नदी की लंबाई कितनी है, तो आप क्या बताओगे कि जो काकरी नदी है इसकी लंबाई है 17 किलोमीटर। दोस्तों जो काकरी नदी है इसकी लंबाई कितनी है साहब आपके, 17 किलोमीटर। ठीक, अच्छा पूछा जाए कि जो काकरी नदी है इस काकरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, पूछा जाएगा कि जो काकरी नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो आप क्या बताओगे कि साहब आपके इसका उद्गम होता है कोठारी गांव से। कहाँ से होता है, कोठारी गांव से। अच्छा दोस्तों साहब ध्यान रखना, जो काकरी नदी है ना ये एक झील बनाती है और उस झील का नाम है भुज झील। तो साहब आपके साहब जो काकरी नदी है ये भुज झील का निर्माण करती है। साहब किसका निर्माण करती है, भुज झील का निर्माण करती है। कौन करता है आपके, काकरी नदी करती है। समझ जाओगे दोस्तों तब आपकी जो काकरी नदी है ये साहब किसका निर्माण करती है, भुज झील का निर्माण करती है। एकदम क्लियर है दोस्तों, धन यात्रा। ठीक, समझ जाना। जनसंख्या में सबसे छोटा जिला जैसलमेर, तो सबसे बड़ा जिला जयपुर। आकार सप्त बहुभुज के समान है। घास है सेवन घास के मैदान। जलपट्टी है लाठी सीरीज। नदियां हैं काकनी लाठी और घोसड़ी नदी। दोस्तों काकनी को मसूरदी भी कहा जाता है। लंबाई है 17 किलोमीटर। उद्गम है कोठारी गांव। और सब आपके काकनी नदी साहब आपकी क्या बनाती है, भुज झील का निर्माण करती है। दोस्तों किसका निर्माण करती है साहब, काकनी नदी भुज झील का निर्माण करती है। एकदम क्लियर दोस्तों यहाँ तक। तो अगर दोस्तों यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए आप, नहीं है दोस्तों चलूँ आगे। ठीक, फिर बात आती है कि साहब आपके यहाँ कौन कौन से साहब जलाशय हैं। पूछा जाएगा कि साहब आपके जैसलमेर में कौन कौन से जलाशय हैं। ठीक दोस्तों, अगर पूछ लिया जाए कि जैसलमेर में कौन कौन से जलाशय हैं, ठीक, तो साहब ध्यान रखना साहब जो साहब जैसलमेर हैं साहब यहाँ एक तो होगा गढ़ सीसर जलाशय। ठीक दोस्तों साहब आपके यहाँ एक तो क्या होगा, गढ़ सीसर जलाशय। ठीक दोस्तों एक साहब यहाँ क्या होगा, भुज झील। क्या होगी, भुज झील। दोस्तों यहाँ एक होगा मूल सागर जलाशय। ठीक दोस्तों साहब आपके यहाँ होगा एक गज सागर जलाशय। समझ जाओगे दोस्तों तो साहब आपके यहाँ कौन कौन से जलाशय हैं। दोस्तों एक तो साहब आपके गढ़सीसर जलाशय, दोस्तों एक है साहब आपके यहाँ भुज झील, एक है मूल सागर जलाशय, एक है साहब आपके यहाँ गज सागर जलाशय। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों साहब आपके इसके अलावा साहब यहाँ एक साहब साहब आपके जलाशय हैं और दोस्तों उसका नाम है अमर सागर जलाशय। साहब के यहाँ है अमर सागर जलाशय है। क्लियर साहब। दोस्तों यहाँ एक जलाशय और है और उसका नाम है विजड़ा सागर जलाशय। क्या नाम है साहब आपके, विजड़ा सागर जलाशय। ठीक, तो गढ़ सीसर, भुज झील, मूल सागर, गज सागर, अमर सागर और विजड़ा सागर, दोस्तों ये आदि जैसलमेर के प्रमुख जलाशय हैं, प्रमुख तालाब हैं, प्रमुख झील हैं, इनको आप ऐसा कह सकते हैं। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों फिर बात आती है कि साहब जैसलमेर की वनस्पति कैसी है। बात आती है कि साहब जैसलमेर की वनस्पति कैसी है। बात आती है दोस्तों कि जो जैसलमेर है इस जैसलमेर की वनस्पति कैसी है। बात आए कि जैसलमेर की वनस्पति कैसी है, तो दोस्तों ध्यान रखना जैसलमेर में तीन प्रकार की साहब आपकी वनस्पति पाई जाती है। ठीक, अच्छा साहब आपके यहाँ साहब आपके एक तो साहब आपके पाया जाता है दोस्तों यहाँ खेजरी वृक्ष। क्या पाया जाता है, खेजरी वृक्ष। दोस्तों साहब आपके यहाँ एक पाया जाता है रोहिड़ा। क्या पाया जाता है, रोहिड़ा। और दोस्तों आपके यहाँ क्या पाया जाता है, धोकड़ा। तो साहब आपके यहाँ तीन तरह के साहब वृक्ष पाए जाते हैं, खेजरी वृक्ष, रोहिड़ा वृक्ष और धोकड़ा। ये सब आपके तीन पाए जाते हैं साहब आपके कहाँ, वनस्पति के रूप में यहाँ पाए जाते हैं। अगर दोस्तों हम खेजड़ी की बात करते हैं, दोस्तों अगर हम खेजड़ी की बात करते हैं तो साहब जो खेजड़ी है ना ये क्या है, हमारा राज्य वृक्ष। क्या नाम है, राज्य वृक्ष। और पूछा जाए कि इसे राज्य वृक्ष कब बनाया गया था, 1983 में। पूछा जाए कि खेजड़ी को राज्य वृक्ष कब बनाया गया था, 1983 में। ठीक, अच्छा दोस्तों फिर बात आती है कि साहब जो खेजड़ी है ना, दोस्तों जो खेजड़ी है इससे साहब आपके दोस्तों साहब जो खेजड़ी है ना इसके साहब आपके जो फलियां होती हैं, दोस्तों जो खेजड़ी है इसके साहब आपके जो फलियां होती हैं ना दोस्तों उन्हें कहा जाता है सांगरी। ठीक है दोस्तों ना, जो सेगरी है ना साहब इसकी फलियाँ क्या कहलाती हैं, सांगरी। ठीक, फिर बात आती है इसके साहब आपके जो पत्ती होती हैं दोस्तों उसे कहा जाता है लूम। क्या कहा जाता है, लूम। ठीक दोस्तों, इसके जो फूल होते हैं, इसके जो फूल होते हैं उन्हें कहा जाता है मेझर। क्या कहा जाता है, मेझर। ठीक दोस्तों,
दोस्तों जो खेजड़ी है ना, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है प्रोसेपिस सिनरेरिया। जो खेजड़ी है ना, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? प्रोसेपिस सिनरेरिया। समझ जाना, जो खेजड़ी है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोसेपिस सिनरेरिया। एकदम क्लियर दोस्तों। इसे शास्त्रों में कहा जाता है शमी। दोस्तों जानना, इसे शास्त्रों में साहब आपके क्या कहा जाता है? शमी। किसको? खेजड़ी को। समझ जाओगे क्या? ठीक। अच्छा दोस्तों जानना, दोस्तों खेजड़ी में दो प्रकार के रोग लगते हैं। दोस्तों जानना, जो खेजड़ी है इसमें दो प्रकार के रोग लगते हैं। एक तो लगता है सेलेस्ट्रेना। कौन सा लगता है? सेलेस्ट्रेना। ठीक। और दोस्तों एक रोग लगता है ग्लाइकोटर्मा। क्या लगता है? ग्लाइकोटर्मा। सेलेस्ट्रेना और ग्लाइकोटर्मा दो कवक हैं जो कि साहब आपके खेजड़ी वृक्ष को खोखला कर देते हैं। समझ जाओगे ना, सेलेस्ट्रेना और ग्लाइकोटर्मा साहब आपके दो कवक हैं जो कि साहब आपके इसको क्या करते हैं साहब आपके दोस्तों? खोखला कर रहे हैं। ठीक। अच्छा साहब आपके फिर बात आती है कि दोस्तों जो खेजड़ी है ना, दोस्तों जो खेजड़ी है ये विष्णुई संप्रदाय का पवित्र वृक्ष है। देखना दोस्तों, जो खेजड़ी है ना ये विष्णुई संप्रदाय का या विष्णुई जाति का पवित्र वृक्ष है। क्लियर दोस्तों, जो खेजड़ी है ना ये विष्णुई जाति का क्या है? पवित्र वृक्ष है। ठीक। अच्छा दोस्तों जानना, इस खेजड़ी को बचाने के लिए, दोस्तों इस खेजड़ी को बचाने के लिए साहब आपके बलिदान भी हुए हैं। एकदम क्लियर। और दोस्तों जो बलिदान हुए हैं उनमें साहब आपके तीन महिलाओं के नाम बहुत प्रमुख हैं। एक का नाम है गोरा, एक का नाम है कर्मा और एक का नाम है अमृता देवी। कौन है? अमृता देवी। तो गोरा, कर्मा, अमृता देवी साहब वो महिला हैं जिन्होंने इस वृक्ष को बचाने के लिए अपने बलिदान दिया था। ठीक। अच्छा दोस्तों, अगर पूछा जाए कि खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए बलिदान देने वाला प्रथम पुरुष कौन था? खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए बलिदान देने वाला प्रथम पुरुष कौन था? तो आप क्या बताओगे? अणोजी। क्या था? अणोजी। क्लियर। खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए बलिदान देने वाला प्रथम पुरुष कौन था? अणोजी था। एकदम क्लियर दोस्तों। समझना, महिलाओं में तो गोराकर्मा, अमृता देवी और सब आपके पुरुषों में कौन होगा? अणोजी। अच्छा दोस्तों जानना, वृक्षों को बचाने के लिए दिया गया जो बलिदान होता है ना उसे कहा जाता है खडाना। जानना, वृक्षों को बचाने के लिए जो बलिदान दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? खडाना। समझ जाओगे क्या? जैसलमेर में खेजड़ी वृक्ष पाया जाता है। इसे राज्य वृक्ष कब बनाया गया? 1983 में। फलियां सांगरी पत्ती लूम फूल मेजर, नाम प्रोसेपिस सिनरेरिया, शास्त्रों में शमी, रोगे सेलेस्ट्रेना और ग्लाइकोटर्मा, विष्णुई जाति का पवित्र वृक्ष है और इससे बचाने के लिए गोराकर्मा अमृता देवी ने बलिदान दिया था। अणोजी प्रथम पुरुष था जिन्होंने बलिदान दिया हो। और खेजड़ी वृक्षों को बचाने, दोस्तों वृक्षों की रक्षा के लिए दिया गया बलिदान क्या कहलाता है? दोस्तों आपके खडाना कहलाता है। अच्छा दोस्तों ये भी जानना, खेजड़ी को दोस्तों आपके राजस्थान का कल्प वृक्ष और रेगिस्तान का गौरव भी कहा जाता है। इतना ध्यान रखना दोस्तों, मैं थोड़ी सी जानकारी दी है खेजड़ी के बारे में। ठीक। अच्छा दोस्तों बात आती है कि जो रोहिड़ा है, दोस्तों बात आती है कि जो रोहिड़ा है ना दोस्तों, साहब जो रोहिड़ा है ये है राज्य पुष्प। दोस्तों जो रोहिड़ा है ना ये क्या है? राज्य पुष्प। ठीक। और पूछा जाए कि इसे राज्य पुष्प कब घोषित किया गया था? 1983 में। दोस्तों जो रोहिड़ा है इसे राज्य पुष्प कब घोषित किया गया था? 1983 में घोषित किया गया। समझ जाओगे ना, जो रोहिड़ा है इसे राज्य पुष्प कहा जाता है, ये 1983 में राज्य पुष्प घोषित हुआ था। और दोस्तों इस रोहिड़ा को कहा जाता है टीकोमेला अंडुलेटा। दोस्तों जो रोहिड़ा है इसे कहा जाता है टीकोमेला अंडुलेटा। समझ जाओगे रोहिड़ा को साहब क्या कहा जाता है? टीकोमेला अंडुलेटा कहा जाता है। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों जो रोहिड़ा है ना, इस रोहिड़ा को साहब एक नाम दिया गया है और वो दिया गया है साहब आपके मरुस्थल का सागवान। दोस्तों जो रोहिड़ा है ना इसे कहा जाता है मरुस्थल का सागवान। क्या कहा जाता है? मरुस्थल का सागवान कहा जाता है। पहली बार दोस्तों सब आपके जो रोहिड़ा है ना सब आपके इसे मरुपुष्प भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे मरुपुष्प भी कहा जाता है। दो बातें क्लियर। सब आपके खेजड़ी, रोहिड़ा और धोकड़ा साहब आपके दोस्तों ये सब आपके यहाँ के प्रमुख वनस्पतियों में सम्मिलित हैं। ठीक। अच्छा फिर बात आती है दोस्तों कि
जैसलमेर में एक अभयारण्य भी है दोस्तों, जैसलमेर में एक अभयारण्य है और दोस्तों उस अभयारण्य का नाम है मरू राष्ट्रीय उद्यान। एकदम क्लियर दोस्तों, तब जैसलमेर में एक अभयारण्य भी है और दोस्तों उसका नाम है मरू राष्ट्रीय उद्यान। समझ जाओगे दोस्तों, यहाँ एक अभयारण्य है और उसका नाम क्या है, मरू राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, फिर बात आती है कि इसे अभयारण्य कब बनाया गया, पूछा जाएगा कि इसे अभयारण्य कब बनाया गया, तो आप क्या बताओगे, 4 अगस्त 1980 को। क्लियर दोस्तों, 4 अगस्त 1980 को सब आपके इसे अभयारण्य घोषित किया गया था। समझ जाओगे ना, 4 अगस्त 1980 को सब आपके इसे अभयारण्य घोषित किया गया था। क्लियर, अच्छा पूछा जाएगा कि जो मरू राष्ट्रीय उद्यान है इसका क्षेत्रफल कितना है, पूछा जाएगा कि जो मरू राष्ट्रीय उद्यान है इसका क्षेत्रफल कितना है, तो आप क्या बताओगे कि इसका क्षेत्रफल है 3162 वर्ग किलोमीटर। जो मरू राष्ट्रीय उद्यान है इसका क्षेत्रफल कितना है, 3162 वर्ग किलोमीटर। ठीक, और दोस्तों ये क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा अभयारण्य है। एकदम क्लियर दोस्तों, यह क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा अभयारण्य है। समझ जाओगे, क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है दोस्तों, मरू राष्ट्रीय उद्यान। एकदम क्लियर, अच्छा दोस्तों ध्यान रखना, जो मरू राष्ट्रीय उद्यान है ना दोस्तों, इसे गोडावण की भूमि भी कहा जाता है। दोस्तों जो मरू राष्ट्रीय उद्यान है इसे गोडावण की भूमि भी कहा जाता है। समझ जाओगे क्या, अर्थात गोडावण पक्षी यही अपने अंडे देता है, सब इसलिए गोडावण की भूमि भी कहा जाता है। और दोस्तों ध्यान रखना, गोडावण पक्षी 3 जगह पाया जाता है, एक तो मरू राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, एक गोडावण पक्षी कहां पाया जाता है दोस्तों, आपके साकलिया, और साकलिया कहां आता है, अजमेर में, यहां पाया जाता है, और दोस्तों एक गोडावण पक्षी कहां पाया जाता है, सोरसन में, और पूछा जाएगा सोरसन कहां आता है, बारा में, कहां आता है, बारा में। समझ जाओगे कि दोस्तों अच्छी तरह, तो मरू राष्ट्रीय अभयारण्य है, 4 अगस्त 1980 को इसे अभयारण्य घोषित किया गया था, क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा अभयारण्य है, और दोस्तों इसे गोडावण की भूमि कहा जाता है, गोडावण पक्षी सोरसन, बारा, साकलिया, किशनगढ़, अजमेर और मरू राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। ठीक, अच्छा दोस्तों जैसलमेर में एक अभयारण्य, एक उद्यान और है। क्लियर, और दोस्तों उसका नाम है आकल वुड फॉसिल्स पार्क। एकदम क्लियर दोस्तों, जैसलमेर में एक उद्यान और है और उसका नाम है आकल वुड फॉसिल्स पार्क, आकल वुड फॉसिल्स पार्क, ये सब आपके जैसलमेर में एक उद्यान है। ठीक, और दोस्तों इस उद्यान की विशेषता क्या है, पूछा जाएगा कि इस उद्यान की विशेषता क्या है, तो दोस्तों ध्यान रखना, इस उद्यान में 18 करोड़ वर्ष पूर्व के, दोस्तों इस उद्यान में 18 करोड़ वर्ष पूर्व के जीवाश्म पाए जाते हैं। इस उद्यान में 18 करोड़ वर्ष पूर्व के जीवाश्म पाए जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। एकदम क्लियर दोस्तों, ये दोस्तों सब आपके पूछा गया क्वेश्चन है। एकदम क्लियर, और दोस्तों इसी आकल वुड वॉसिल्स पार्क में चूहे के दांत के अवशेष मिले थे। क्लियर दोस्तों, 18 करोड़ वर्ष पूर्व चूहे के दांत के जो अवशेष हैं सब आपके, वो भी कहाँ से मिले हैं दोस्तों, आपके आकल वुड फॉसिल पार्क से मिले हैं। ठीक, दो बातें, अच्छा दोस्तों हम बात करते हैं जैसलमेर में पशुपालन की। ठीक, हम बात करते हैं जैसलमेर में पशुपालन की। दोस्तों यहाँ 2 प्रकार के पशुओं का पालन होता है, एक तो ऊँट का और एक गाय का। ठीक, अगर ऊँट की बात करें तो सब आपके यहाँ नाचना किस्म का ऊँट मिलता है। एकदम क्लियर दोस्तों, यहाँ नाचना ऊँट मिलता है। अगर गाय की बात करें तो दोस्तों यहाँ एक तो राठी नस्ल की गाय और एक थारपारकर, दोस्तों एक तो यहाँ राठी नस्ल की गाय और एक थारपारकर नस्ल की गाय पाई जाती हैं। समझ जाओगे, अगर हम पशुपालन की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ नाचना नस्ल का ऊँट मिलता है और थारपारकर और राठी नस्ल की गाय पाई जाती हैं। ठीक, अच्छा दोस्तों माना जाता है कि दोस्तों जैसलमेर में एक गांव है, दोस्तों जैसलमेर में एक गांव है और उस गांव का नाम है मालवी गांव।
जैसलमेर में एक गांव है, गांव का नाम क्या है, मालवी गांव। और माना जाता है कि ये मालवी गांव थार पारकर नस्ल की उत्पत्ति के लिए जाना जाता है, अर्थात माना जाता है कि इसी गांव में थार पारकर नस्ल की क्या हुई थी, उत्पत्ति। माना जाता है कि साहब आपके इसी गांव में थार पारकर नस्ल की क्या हुई थी, उत्पत्ति हुई थी। समझ जाओगे क्या? तो दोस्तों पशुपालन में यहाँ नाचना नस्ल का ऊँट मिलता है तो गाय के रूप में साहब या राठी और थार पारकर मिलती है, इन दोनों पर चर्चा हम कर चुके हैं, नाचना भी कर चुके हैं दोस्तों, यहाँ नहीं कर रहा हूँ। ठीक दोस्तों, अगर बात आती है कि पेयजल परियोजना की, बात आती है पेयजल परियोजना की कि साहब आपके यहाँ कौन सी पेयजल परियोजना है, क्लियर, पूछ लिया जाए कि यहाँ कौन सी पेयजल परियोजना है, तो दोस्तों यहाँ इंदिरा गांधी नहर परियोजना से सिंचाई और पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। और दोस्तों इंदिरा गांधी नहर परियोजना की जो लिफ्ट नहर है उसका नाम है पोखरण लिफ्ट नहर। जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है सब आपके, उसकी एक नहर है, नाम है पोखरण लिफ्ट नहर। ठीक, और इस पोखरण लिफ्ट नहर से दोस्तों यहाँ सिंचाई और पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। और दोस्तों ये जो नहर है ना, इस नहर का वर्तमान नाम अब पोखरण लिफ्ट नहर नहीं है दोस्तों, इस नहर का नाम अब पोखरण नहीं रहा है दोस्तों, इसे वर्तमान में कहते हैं जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर। इसे वर्तमान में क्या कहते हैं, जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर कहते हैं। समझ गए क्या भैया अच्छी तरह? ठीक, अच्छा फिर बात आती है दोस्तों ऊर्जा की, दोस्तों बात आती है ऊर्जा की। ठीक साहब, समझना दोस्तों, जो जैसलमेर है ना ये साहब आपके प्राकृतिक गैस, दोस्तों जो जैसलमेर है ये प्राकृतिक गैस, ठीक, और हीलियम गैस के उत्पादन के लिए जाना जाता है। समझना दोस्तों, जो जैसलमेर है ये प्राकृतिक गैस और हीलियम गैस के उत्पादन के लिए जाना जाता है। ठीक दोस्तों, जो जैसलमेर है ये जाना जाता है प्राकृतिक गैस और हीलियम गैस के उत्पादन के लिए, एकदम क्लियर। फिर बात आती है कि जो प्राकृतिक गैस है उसका उत्पादन कहाँ होता है और हीलियम गैस का उत्पादन कहाँ होता है। ठीक, पूछा जाए कि प्राकृतिक गैस का उत्पादन कहाँ होता है और हीलियम का कहाँ होता है, तो आप क्या बताओगे कि जो तनोट है ना दोस्तों ये तो प्रसिद्ध है प्राकृतिक गैस के उत्पादन के लिए, और दोस्तों जो घोटारू है, दोस्तों जो घोटारू है ना ये प्रसिद्ध साहब आपके हीलियम गैस के उत्पादन के लिए। तनोट तो है प्राकृतिक गैस के उत्पादन के लिए और घोटारू है हीलियम गैस के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध, क्लियर। दोस्तों राजस्थान में पवन ऊर्जा के क्षेत्र में, दोस्तों राजस्थान में पवन ऊर्जा के क्षेत्र में प्रथम जिला कौन सा है, जैसलमेर। राजस्थान में पवन ऊर्जा के क्षेत्र में जो प्रथम जिला है वो कौन सा है, जैसलमेर, अर्थात यहाँ पवन ऊर्जा से भी साहब आपके विद्युत का निर्माण किया जाता है, तो पवन ऊर्जा के क्षेत्र में साहब आपके सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जैसलमेर होगा। समझ गए दोस्तों, ये थी जैसलमेर के साहब आपके भौगोलिक विशेषताएं, एक बार साहब अच्छी तरह समझ लेना दोस्तों जैसलमेर की भौगोलिक विशेषताएं कौन कौन सी हैं। जैसलमेर अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करता है 4,464, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है तो छोटा जिला है धौलपुर, NH-15 अब 62 के नाम से जाना जाता है जो कि 195 किलोमीटर जैसलमेर में है, यहां से उत्तर पश्चिमी रेलवे है, अंतरराष्ट्रीय रेलवे सीमा भी है। ठीक, जनसंख्या में सबसे छोटा जिला है जैसलमेर तो बड़ा जिला है जयपुर, सप्त बहुभुज इसका आकार है, सेवन घास के मैदान है, लाठी सीरीज है और यहाँ काकनी लाठी और गोसड़ी नदी मिलती है, और काकनी नदी को दोस्तों मसूरदी कहा जाता है, लंबाई है 17 किलोमीटर, उद्गम है कोठारी गांव जैसलमेर, ये बुद्ध झील का निर्माण करती है। जलाशय दोस्तों यहाँ गढ़सीसर जलाशय, बुद्ध झील है, मूलसागर है, ध्यान रखना, यहाँ खेजड़ी रोहिड़ा और धोकड़ा पाए जाते हैं, इनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। रोहिड़ा राज्य पुष्प है, टीको मेला अंडुलेटा कहलाता है, मरुस्थल का सागवान कहलाता है। मरु राष्ट्रीय उद्यान और आकल वुड फॉसिल्स पार्क साहब आपके जैसलमेर में स्थित हैं। और दोस्तों साहब आपके पेयजल परियोजना में यहाँ पोखरण लिफ्ट नहर है तो ऊर्जा में यहाँ पवन ऊर्जा है, प्राकृतिक गैस है और हीलियम गैस है। दोस्तों ये तो हुई जैसलमेर की सांस्कृतिक ऐतिहासिक और भौगोलिक विशेषताएं, अब हम चर्चा करते हैं दोस्तों जैसलमेर की सांस्कृतिक विशेषताओं पर, अब हम चर्चा करते हैं जैसलमेर की सांस्कृतिक विशेषताओं पर, एकदम क्लियर।
दोस्तों अब हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं जैसलमेर की सांस्कृतिक विशेषताओं पर। ठीक, अब दोस्तों अगर हम जैसलमेर की सांस्कृतिक विशेषताओं की बात करते हैं, दोस्तों अगर हम जैसलमेर की सांस्कृतिक विशेषताओं की बात करते हैं, अगर हम जैसलमेर की सांस्कृतिक विशेषताओं की बात करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले बात आती है कि सब जैसलमेर में छत्री है या नहीं है। ठीक, तो हम आपके दोस्त जैसलमेर में छत्रियाँ हैं। ठीक, और दोस्तों हम यहाँ जो छत्रियाँ हैं ना उन्हें कहा जाता है बड़ा बाघ की छत्री। दोस्तों यहाँ जो छत्रियाँ हैं उन्हें साहब आपके क्या कहा जाता है, बड़ा बाघ की छत्री। यहाँ जो छत्रियाँ हैं उन्हें क्या कहा जाता है, बड़ा बाघ की छत्री। और पूछा जाए कि जो बड़ा बाघ की छत्री है ये क्या है साहब, आपके स्मारक हैं। ये क्या है, स्मारक। और पूछा जाए कि ये किसके स्मारक हैं, तो आप क्या बताओगे कि जो बड़ा बाघ की छत्री है ये जैसलमेर के शासकों के स्मारक हैं। दोस्तों जो बड़ा बाग की छत्री हैं ये क्या है, जैसलमेर के बाग शासकों के स्मारक हैं। ठीक, तो बड़ा बाग की छत्री कहाँ है, जैसलमेर में। इन्हें जैसलमेर के शासकों का स्मारक भी कहा जाता है। अगर दोस्तों हम नृत्य की बात करते हैं तो सब आपके जैसलमेर में एक प्रसिद्ध नृत्य है और उसका नाम है तेरह ताली नृत्य। जब मैंने बीकानेर जिला पढ़ाया था तो वहाँ चर्चा भी की थी दोस्तों, समझना दोस्तों। ठीक, यहाँ सब आपके एक नृत्य है और सब आपके उसका नाम है दोस्तों तेरह ताली नृत्य। ठीक, तेरह ताली नृत्य। ठीक दोस्तों, सब आपके दर ना जो तेरह ताली नृत्य है सब आपके ये किया जाता है रामदेव जी के मेले के अवसर पर। दोस्तों जो तेरह ताली नृत्य है ये किया जाता है रामदेव जी के मेले के अवसर पर। एकदम क्लियर दोस्तों, समझो दोस्तों, साहब जो तेरह ताली नृत्य है ये किया जाता है रामदेव जी के मेले के अवसर पर। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों, पूछा जाए कि जो रामदेव जी का मेला है इसका आयोजन कब होता है, तो आप क्या बताओगे, भाद्र शुक्ल द्वितीया से। क्लियर, पूछा जाए कि मेले का आयोजन कब होता है, तो भाद्र शुक्ल द्वितीया से लेकर एकादशी तक, भाद्र शुक्ल द्वितीया से लेकर एकादशी तक इस नृत्य का आयोजन होता है। और पूछा जाएगा कि इस नृत्य की साहब आपके नृत्य कौन करती है, कामड़ जाति की महिलाएं। पूछा जाएगा कि साहब आपके नृत्य कौन करती हैं, तो आप क्या बताओगे, कामड़ जाति की महिलाएं। क्लियर, और चूंकि साहब आपके जैसलमेर में रामदेवरा है, रूणीचा धाम है, इसलिए साहब आपके तेरह ताली नृत्य जैसलमेर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। क्लियर, तो साहब आपके जैसलमेर का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा हुआ साहब, आपके तेरह ताली नृत्य। कब होता है, रामदेव जी के मेले के अवसर पर होता है। कौन करती है, कामड़ जाति की महिलाएं करती हैं। एकदम क्लियर। भी दोस्तों बात आती है कि जो जैसलमेर है इस जैसलमेर में कौन सा लोक नाट्य प्रसिद्ध है। दोस्तों पूछा जाएगा कि जो जैसलमेर है इस जैसलमेर साहब आपके कौन सा लोक नाट्य प्रसिद्ध है, तो दोस्तों आप क्या बताओगे कि साहब आपके जैसलमेर में रम्मतें बहुत प्रसिद्ध हैं। दोस्तों जो जैसलमेर है सब आपके साहब जैसलमेर में क्या प्रसिद्ध हैं, तो आप क्या बताओगे कि साहब आपके जो रम्मतें हैं ये जैसलमेर में बहुत प्रसिद्ध हैं। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों ध्यान रखना, ये बात मैं दोस्तों पहले बता चुका हूँ। क्लियर, समझना, जो रम्मत है ना इस रम्मत का जन्म कहाँ हुआ था। पूछा जाएगा कि जो रम्मत है इस रम्मत का जन्म तो कहाँ हुआ है, जैसलमेर में। क्लियर दोस्तों, जो रम्मत है ना इसका जन्म तो कहाँ हुआ है, जैसलमेर में। क्लियर, और लोकप्रिय रम्मत कहाँ की है, पूछ लिया जाए कि लोकप्रिय रम्मत कहाँ की है। जन्म तो हुआ है जैसलमेर में और पूछा जाए कि लोकप्रिय रम्मत कहाँ की है, तो आप क्या बताओगे कि लोकप्रिय रम्मत है बीकानेर की। कहाँ की है, बीकानेर की। ठीक, अच्छा दोस्तों यार ना जो रम्मत है ना इन्हें कहा जाता है पाटा संस्कृति। जो रम्मत है दोस्तों इन्हें क्या कहा जाता है, पाटा संस्कृति भी कहा जाता है। समझ जाओगे ना, रम्मतों को क्या कहा जाता है, पाटा संस्कृति भी कहा जाता है। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों, नृत्य हो गया, लोक नाट्य हो गया, फिर दोस्तों हम बात करते हैं जैसलमेर चित्रशैली की। हम बात करते हैं जैसलमेर चित्रशैली की। एकदम क्लियर। अगर दोस्तों हम जैसलमेर चित्रशैली की बात करते हैं तो यहाँ से भी साहब आपके एक प्रश्न ध्यान रखना। प्रश्न क्या बनेगा कि निम्न में से
वह कौन सी चित्रशैली है? दोस्तों निम्न में से वह कौन सी चित्रशैली है जो बाह्य प्रभाव से अप्रभावित है रही है? ठीक, पूछा जाए कि निम्न में से वह कौन सी चित्रशैली है जो बाह्य प्रभाव से अप्रभावित रही है। ठीक दोस्तों, यहाँ बाह्य प्रभाव का मतलब है मुगल प्रभाव। यहाँ बाह्य प्रभाव का मतलब क्या है? मुगल प्रभाव। तो पूछा जाएगा कि निम्न में से वो कौन सी चित्रशैली है जो मुगल अथवा बाह्य प्रभाव से अप्रभावित रही है? जैसलमेर चित्रशैली। अर्थात दोस्तों यह चित्रशैली किसी भी अन्य चित्रशैली से प्रभावित नहीं है। और दोस्तों जब यह किसी भी अन्य चित्रशैली से प्रभावित नहीं है तो इसे कहा जाता है राजस्थान की एकमात्र, इसे क्या कहा जाएगा? राजस्थान की एकमात्र स्वतंत्र चित्रशैली। राजस्थान की एकमात्र स्वतंत्र चित्रशैली किसे कहा जाएगा? जैसलमेर चित्रशैली को। समझ जाओगे ना दोस्तों? ठीक। और दोस्तों जैसलमेर चित्रशैली, दोस्तों जो जैसलमेर चित्रशैली है ना, इसके साथ आपके प्रसिद्ध साहब आपके जो पात्र हैं वह है महेंद्र और मोमल। कौन है? महेंद्र और मोमल। और पूछा जाए कि जैसलमेर चित्रशैली का विषय क्या रहा है? प्रेम और विरह। जो जैसलमेर चित्रशैली है इसका विषय क्या रहा है? प्रेम और विरह। आप तो ये याद रखना कि निम्न में से वो कौन सी चित्रशैली है जो बाह्य प्रभाव से अप्रभावित रही है या मुगल प्रभाव से अप्रभावित रही है, तो क्या बताओगे दोस्तों आप? जैसलमेर चित्रशैली। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों फिर बात आती है, कि जैसलमेर में जो सिक्के थे, दोस्तों बात आती है कि साहब आपके जैसलमेर में जो प्रचलित सिक्के थे उन्हें क्या नाम दिया गया है? तो साहब आपके ना यहाँ जो सिक्के चले थे ना दोस्तों उन्हें कहा जाता था अकेशाही सिक्के। यहाँ जो सिक्के चले थे उन्हें क्या कहा जाता था? अकेशाही सिक्के। ठीक। अच्छा दोस्तों यहाँ एक संग्रहालय भी स्थित है, और पूछा जाएगा कि साहब आपके उस संग्रहालय का नाम क्या है? तो आप क्या बताओगे? जीन भद्र सूरी संग्रहालय। क्या नाम है? जीन भद्र सूरी संग्रहालय। दोस्तों क्लियर, ये अपने हस्तलिखित ग्रंथों के लिए जाना जाता है। समझोगे? ये अपने हस्तलिखित ग्रंथों के लिए जाना जाता है। क्या साहब आपके दोस्तों? क्या? जीन भद्र सूरी संग्रहालय। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों फिर बात आती है कि साहब जो जैसलमेर है यहाँ साहब आपके प्रमुख हवेलियाँ कौन कौन सी हैं? पूछा जाएगा कि जो जैसलमेर है इस जैसलमेर में प्रमुख हवेलियाँ कौन कौन सी हैं? ठीक, तो आप क्या बताओगे कि साहब आपके यहाँ एक तो है नथमल की हवेली। साहब आपके एक तो क्या है यहाँ? नथमल की हवेली, ये प्रसिद्ध है। दोस्तों एक यहाँ पटवो की हवेली प्रसिद्ध है। क्लियर दोस्तों। साहब आपके यहाँ एक सलीम सिंह की हवेली प्रसिद्ध है। एकदम क्लियर, सलीम सिंह की हवेली प्रसिद्ध है। ठीक। और दोस्तों जो साहब सलीम सिंह है ना, इस हवेली को साहब आपके मोती हवेली के नाम से भी जाना जाता है। इसी साहब आपके हवेली का नाम क्या है? मोती हवेली भी है। समझ जाओगे? तो नथमल की हवेली, सलीम सिंह की हवेली और पटवो की साहब आपकी हवेली दोस्तों यहाँ की प्रमुख हवेली है। एकदम क्लियर। फिर दोस्तों बात आती है कि जैसलमेर में पाई जाने वाली जातियाँ कौन कौन सी हैं? बात आती है कि साहब जैसलमेर में कौन सी जातियाँ पाई जाती हैं? क्लियर दोस्तों, पूछ लिया जाए कि जैसलमेर में पाई जाने वाली जातियाँ कौन कौन सी हैं? तो दोस्तों यहाँ तीन जातियाँ पाई जाती हैं। एक का नाम है मीरासी, एक का नाम है मांगणियार और दोस्तों एक का नाम है लंगा। ये यहाँ की प्रसिद्ध जातियाँ हैं, प्रमुख जातियाँ हैं। और दोस्तों ये तीनों जातियाँ संगीत प्रिय जातियाँ हैं। दोस्तों ये तीनों जातियाँ हैं ना, ये क्या है? संगीत प्रिय जातियाँ हैं। समझ जाओगे कि दोस्तों मीरासी, मांगणिया, लंगा साहब आपके यहाँ के साहब आपके प्रसिद्ध जातियाँ हैं। क्लियर। स्वरूप खान लंगा जाति का था जो इंडियन आइडल में गया था दोस्तों। जो साहब स्वरूप खान है वो लंगा जाति का था, तो दोस्तों जो कहाँ गया था? इंडियन आइडल में गया था। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों जैसलमेर में एक स्थान है, और उसका नाम है सम। क्या नाम है? सम। दोस्तों इसे कहा जाता है दोस्तों, तब आपके जो जैसलमेर सम है दोस्तों, तब आपके इसे कहा जाता है सबसे कम वर्षा वाला स्थान। दोस्तों इसे कहा जाता है सबसे कम वर्षा वाला स्थान। ठीक,
पूछ लिया जाए कि सबसे कम वर्षा वाला स्थान कहाँ है, जैसलमेर में है सम। और दोस्तों आप जो सम है ना, ये सम अपने रेतीले धोरों के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों जो सम है ना, ये अपने रेतीले धोरों के लिए प्रसिद्ध है। समझ जाओगे क्या, जो सम है ये अपने रेतीले धोरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक दोस्तों, जैसलमेर में एक स्थान और है, नाम है पोखरण। क्या नाम है? पोखरण। और दोस्तों पोखरण प्रसिद्ध है किसके लिए? परमाणु परीक्षण के लिए। एकदम क्लियर दोस्तों, जो पोखरण है ना, ये सब आपके किसके लिए प्रसिद्ध है? परमाणु परीक्षण के लिए प्रसिद्ध है। समझ जाओगे, जो पोखरण है ये परमाणु परीक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, फिर बात आती है कि साहब आपके यहाँ परमाणु परीक्षण कब किए गए थे। पूछा जाएगा कि यहाँ परमाणु परीक्षण कब किए गए थे, तो दोस्तों यहाँ कुल मिलाकर साहब आपके 4 बार परमाणु परीक्षण हुए हैं। समझना दोस्तों, दोस्तों एक तो हुए थे 18 मई 1974 में। कब हुए थे? 18 मई 1974 में। और दोस्तों इस दिन यहाँ 2 परमाणु परीक्षण हुए थे। और दोस्तों तीसरा हुआ था 11 मई को, चौथा हुआ था 13 मई को। ठीक, और ये हुए थे 1998 में। समझ गए दोस्तों? दोस्तों पहली बार जब परमाणु परीक्षण हुआ ना, तो उसे नाम दिया गया था ऑपरेशन बुद्धा। ठीक दोस्तों, जो पहली बार परमाणु परीक्षण हुआ दोस्तों, उसे नाम दिया गया था ऑपरेशन बुद्धा। ठीक, और दोस्तों जो दूसरी बार परमाणु परीक्षण किया गया उसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। क्या नाम था? ऑपरेशन शक्ति। जब पहली बार हुआ तो इंदिरा गांधी ने किया, दूसरी बार अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। एकदम क्लियर दोस्तों, जैसलमेर में साहब आपके एक स्थान और है, और वो है तनोट। क्लियर, यहाँ साहब आपके माता का मंदिर है, जिसे थार की वैष्णो देवी और रुमाल वाली देवी और सैनिकों की देवी भी कहा जाता है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे विद्वान साथियों, वर्ष 2020-21 के राज्य कर्मचारियों, ये था हमारा जैसलमेर जिला, जैसलमेर जिले की सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक और ऐतिहासिक विशेषताएं। उम्मीद करता हूं दोस्तों काव्य क्लासेस के द्वारा राजस्थान जिला दर्शन का ये प्रयास आपको अच्छा लगा होगा, सार्थक लगा होगा। आप अधिक से अधिक संख्या में कमेंट करके, लाइक करके, शेयर करके हमें बेहतर से बेहतरीन करने के लिए प्रेरित करें। अगर आपको कोई सुझाव भी देना है तो कमेंट बॉक्स में आप स्वतंत्र रूप से सुझाव दे सकते हैं। आपके सुझाव हमें अच्छे से और अच्छे से और अच्छा बनाते हैं। ठीक दोस्तों, और दोस्तों आप जीवन में खूब तरक्की करें, खूब उन्नति करें, इसी आशा के साथ धन्यवाद।